नमस्कार, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट और मैं हूं आपके साथ रेनू माथुर। कंगना रनौत की सुरक्षा में दो कमांडो समेत 11 सिक्योरिटी ऑफिसर्स। शान से होगी मुंबई में कंगना रनौत की एंट्री। जी हां दोस्तों, कंगना रनौत को वाई कैटेगरी की सुरक्षा मुहैया कराई गई है। आइए जानते हैं सुरक्षा किस लेवल पर कैसे होते हैं इंतजाम और किस तरीके से कंगना रनौत मुंबई में करेंगी शान से एंट्री। कंगना रनौत की सुरक्षा बढ़ाई गई है और उन्हें होम मिनिस्ट्री की तरफ से वाई सिक्योरिटी की सुरक्षा दी गई है। दरअसल कंगना ने इधर सोशल मीडिया पर मुंबई पुलिस को लेकर बड़ी बेबाकी दिखाई और उधर उन्हें महानगरी में एंट्री को लेकर धमकियां मिलने लगी। और ये धमकियां किसी और ने नहीं बल्कि शिवसेना नेता संजय राउत ने दी है। कंगना ने अपने बयान में कहा था कि सुशांत की मौत के बाद उन्हें मुंबई अनसेफ लगने लगा है, जिसके बाद शिवसेना से उनकी जुबानी जंग खूब बढ़ गई है। खैर, अब 9 सितंबर को मुंबई पहुंचेंगी कंगना रनौत और उनके साथ 11 सिक्योरिटी ऑफिसर्स की पूरी फौज। आइए आपको बताते हैं कि वाई सिक्योरिटी किन्हें मिलती है और इसके तहत किस तरीके की सुरक्षा लोगों को दी जाती है। यहाँ आपको बताना चाहते हैं कि वाई सिक्योरिटी के अलावा देश में अलग अलग स्तर पर अन्य वीआईपी लोगों के लिए खतरे को देखते हुए एक्स, जेड और जेड प्लस लेवल की सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम है। एक्स कैटेगरी की सुरक्षा में सिर्फ 2 आर्म पुलिस ऑफिसर्स होते हैं। इस सुरक्षा व्यवस्था के तहत कई कमांडो या अन्य सिक्योरिटी ऑफिसर्स शामिल नहीं होते हैं। अब आपको बताते हैं कंगना रनौत को मिलने वाली वाई कैटेगरी सुरक्षा के बारे में। आपको बता दें कि वाई कैटेगरी की सुरक्षा व्यवस्था में देश के वो वीआईपी लोग आते हैं जिनको इसके तहत 11 सुरक्षाकर्मी की सुरक्षा मुहैया कराई जाती है। वाई सिक्योरिटी की सुरक्षा के तहत 1 या 2 कमांडो और 2 पीएसओ शामिल होते हैं। साफ ही कि कंगना मुंबई में जहां कहीं भी जाएंगी उनके आगे पीछे 11 सिक्योरिटी ऑफिसर्स हर वक्त मौजूद रहेंगे। कंगना रनौत ने खुद को मिली सुरक्षा को लेकर खुशी जाहिर करते हुए एक ट्वीट किया है। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने वाई श्रेणी की सुरक्षा मिलने के बाद होम मिनिस्टर अमित शाह के लिए ट्वीट किया है और उन्हें आभार व्यक्त किया है। अब देखना होगा कि जिस तरीके से कंगना रनौत को वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली है उसके बाद कंगना रनौत किस तरीके से मुंबई में धमाके तरह एंट्री मारेंगी वो पल देखने वाला होगा। आपको बता दें कि 9 सितंबर को कंगना रनौत मुंबई पहुंचने वाली हैं और उनके साथ ये 11 सुरक्षाकर्मी भी होंगे जो हमेशा उनके आगे पीछे चलते रहेंगे। वाई श्रेणी की सुरक्षा मिलने के बाद अब देखना होगा कि शिवसेना की तरफ से किस तरीके का बयान आता है, क्योंकि शिवसेना नेता संजय राउत की तरफ से ही धमकी दी गई थी कंगना रनौत को कि वो मुंबई में आकर दिखाएं, उनकी एंट्री यहां पर बंद कर दी गई है। जी हां दोस्तों, इसी धमकी के बाद केंद्र सरकार की तरफ से कंगना रनौत को वाई प्लस सिक्योरिटी मुहैया कराई गई है। बॉलीवुड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए फिल्म बीट।